पूरे देश में इस वक्त टमाटर के दाम चिंताजनक तरीके से बढ़ गए हैं। बीते दिनों 40 से 50 रुपए किलो तक बिक रहे टमाटर 3 दिन में 100 से 120 रुपए प्रति किलो की रेंज में पहुंच चुके हैं। एक खास बात और सामने आई है कि भले ही मंडियों में टमाटर के दाम आसमान छू गए हैं, लेकिन किसान के हाथ फिर भी खाली के खाली ही हैं। बीते 3 दिनों में टमाटर ऐसा सुर्ख हुआ है कि इसका असर सीधा आपके घर के बजट पर पड़ा है। आलू, प्याज और टमाटर रसोई की ऐसी 3 जरूरतें हैं जो ना हो तो रसोई का स्वाद बिगड़ जाता है और इनके दाम बढ़ जाएं तो घर का बैंक बैलेंस। ये तीनों सब्जियां बारहमासी हैं। अगर आप पिछले 3 दिन में सब्जी लेने बाजार गए होंगे तो टमाटर के दाम सुनते ही आप चौंक गए होंगे। सोच रहे होंगे कि अभी तो ये ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए किलो रहा होगा, बहुत हुआ तो 50 का, लेकिन 100 से 120 रुपए किलो कैसे हो गया? क्यों हर साल देश में आती है टमाटर क्राइसिस? इस दाम के सुनने के बाद आपने अपनी जरूरतें कम कर ली होंगी और आधा किलो या एक पाव टमाटर ही लेके आए होंगे। अब सोचने वाली बात है और कुछ सवाल हैं। टमाटर इसी मौसम में लगभग हर साल अचानक क्यों इसी तेजी से साथ महंगे हो जाते हैं? क्या बारिश की वजह से? क्या हर साल बारिश में महंगा टमाटर खाने की आदत जनता डाले? क्या किसान को महंगे टमाटर का कोई फायदा होता है? अगर नहीं तो बीज का मुनाफा कौन खा जाता है? लोगों के ताने सुन रहे हैं छोटे सब्जी विक्रेता। अगर आप 1 किलो टमाटर लेंगे तो इसमें 9 पीस टमाटर चढ़ेंगे। एक टमाटर की कीमत 11 रुपए की होगी। भोपाल के एक सब्जी विक्रेता से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए पार चल रहे हैं टमाटर, खरीदने आ रही है जनता, दाम सुनते ही भड़क जाती है। वह कहते हैं कि कई बार तो लोग गाली बक के जाते हैं, कहते हैं कि लूटने बैठा है। वहीं एक विक्रेता ने कहा कि टमाटर लेने आए हैं, 120 का है, सोचा था 1 किलो लेंगे, पावर लेकर जा रहा है। वहीं एक और शख्स ने भी कहा कि 40-50 रुपए में हिम्मत भी कर लेंगे, 80-100 रुपए में हिम्मत कैसे करें, अब एक पाव या आधा किलो ले जाते हैं। जयपुर में भी यही हाल है। जनता का सवाल है कि अचानक 40 से 50 रुपए से 120 रुपए तक टमाटर कैसे पहुंच गया? लोगों को यह बताया गया है कि मंडी में महंगे मिलने के कारण टमाटर के दाम बढ़े हैं। क्यों बढ़ा है टमाटर का दाम? क्या कहते हैं व्यापारी? तो आपको बता दें कि इस सवाल के जवाब के लिए कई राज्यों के दुकानदारों और व्यापारियों से बात की। दिल्ली के व्यापारी का कहना है कि टमाटर महंगा होने के कारण ये है कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी की फसल खराब हो गई है। इस वक्त दिल्ली की मंडी हिमाचल के टमाटर पर डिपेंड है, वहाँ 30% फसल की कमी हुई है, इसलिए दाम में तेजी है। वहीं लखनऊ के दुकानदार का कहना है कि ये देसी टमाटर बेंगलुरु से आ रहा है, लोकल टमाटर सब सड़ गए हैं, इसलिए ही टमाटर महंगा हो गया है। उधर जयपुर के दुकानदार ने कहा कि राजस्थान का टमाटर का काफी नुकसान हुआ है, तूफान आने से पेड़ गल गए हैं, बेंगलुरु का टमाटर आ रहा है, भाड़ा लगता है इसलिए महंगा हो रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है टमाटर महंगा होने पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।